घर में पहली सुबह और पति के साथ पहला पहला मॉर्निंग बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरीके से। ओ वाह, अब फिर झूठ बोले आप लोगों ने, हो मतलब मेरा मतलब बिछड़ा हुआ प्यार को मिला दिया। ठीक है, मैं इतने गुस्से में था कि मैं प्रिया को भी एक्सेप्ट, मतलब सोचो फ्रेंड्स मैं कर सकता है, लेकिन ये कि पक्का तेरा हाथ हो, नहीं बोलोगे ना? नहीं। पक्का पक्का ना? अच्छा तुम कसम खाओ, नहीं बोलोगी? कसम से कसम। कसम की कसम है, कसम से ये प्यार ना होगा फिर तुमसे। तुमसे होगा, अभी है, अगर तुमने ऐसा कुछ गलती किया फिर प्यारे नहीं होगा। सारी जन्नतें मेरे पास हो, मेरी प्यारी बीवी के लिए प्यारा सा जप्पी और प्यारा सा चाय। थैंक यू। बहुत छोटी गिलास लेके आए दो हैं दो आप। मैं बनाऊं? क्या तो उन्होंने बोला मैं इसको अपना दामाद बनाऊंगी, मेरी बेटी वाह। होगी, मैं उससे और इसकी फ्रेंड शादी जरा मेरा कराऊंगी। बाल का हेयर कटिंग फिर देख लीजिए, मैंने फिर से अपना चेंज करा दिया हेयर कटिंग, जरा देखिए। खून तेरे बिन नामुमकिन, कारण ना गुजारा हो गया। सुनो, आप वही हो ये जो बोल मेरे रहा है, बच्चा छीनना चाहते थे मुझसे, ठीक है? मैं वही इंसान हूँ, तो इसीलिए। मैं सभी को गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? तो फ्रेंड्स अभी है मॉर्निंग का टाइम और ब्लॉग स्टार्ट आज मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग में आया हूँ। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये सब होने के बाद ना थोड़ा इंसान मतलब माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जितना कुछ हमारे और प्रिया के बीच हुआ था, हुआ था, हो गया है, ठीक है, लेकिन ये कि अब सब कुछ नॉर्मल है। आप लोगों की कृपा और आप लोगों की दुआ की वजह से मतलब सब कुछ बेटर चल रहा है, बहुत अच्छा है। और फ्रेंड देखिए, प्रिया आज मतलब प्रिया स्टेशन से आई, ठीक है, मैं लेने गया, मतलब थकी हुई थी और ऐसे सोई, पता नहीं जैसे क्या है। देखिए फ्रेंड्स अभी तक सो रही है और बाबू भी सो रहा है, आपको हम दिखाएं ब्लॉग में ना। पहली बार तो फ्रेंड्स सभी को मैं बोल दूँ, फ्रेंड देखिए पहला ब्लॉग है प्रिया की, ये पहली सुबह है, पहले तो सभी को बोल दूँ सॉरी, मेरी तरफ से सभी को सॉरी। और सभी प्लीज़ यार मुझे माफ़ करना, अगर मुझसे छोटी सी भी कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ अपने भाई को माफ़ कर देना जो मुझसे प्यार करता है। और फ्रेंड देखिए आप में से बहुत से लोग जो थे जो मुझे प्यार भी करते थे और बहुत से लोग मुझे गलती हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी बिल्कुल सेम यही चीज़ करता जो चीज़ आप लोगों ने किया। फ्रेंड्स कोई बात नहीं, अभी प्रिया को उठाते हैं। और फ्रेंड देखिए मैं सब चाय बना के मतलब जो भी है प्रिया को दूँ, लेकिन मेन चीज़ यह है ना कि हमारे फ्रिज है नहीं, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं दूध ले आता कल तो फट जाता, ख़राब हो जाता है। ठीक है, पैकेट दूध पता है आपको ऐसा था, इसलिए मैं दूध मिल्क लेके नहीं आया, तो अभी मिल्क भी लेकर के मैं जो भी आऊँगा या तो प्रिया जी लेकर के आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग ब्लॉग बने रहिए और प्रिया को उठाता हूँ, देखता हूँ प्रिया की पहली मॉर्निंग और पहला सुबह कैसा होता है और प्रिया की रिएक्ट क्या होती है। ठीक है, और क्या बोलूँ। अच्छा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करिए बताना, अब मैं ब्लॉग में आ गया हूँ तो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और आपका भाई ना, आपको पता ही, आपको आपका भाई कैसे आपको मतलब हंसाने वाला है। ठीक है, मतलब मैं आपको पता है फ्रेंड्स मैं थोड़ा फनी टाइप में हूँ, ठीक है, आपको पता है, आप सभी को पता है। तो जब प्रिया को उठाते हैं और आपको अपने बाबू से भी गुड मॉर्निंग करवाते हैं, ठीक है, और उधर जो है फ्रेंड देखिए मैं रात को कहाँ सोया था, इस जगह मैं रात को मैं यहाँ पर सोया था, और यहाँ पर हमारा बाबू है, यहाँ प्रिया जी हैं, और यहाँ पर जो सिस्टर आई थी प्रिया के साथ जिनके घर पर थी वो है। फ्रेंड देखिए हमारे पास घर में एक बेड है, ठीक है, जो आपको पता है। देखिए ये चीज़ देखिए फ्रेंड्स, आपने हमारे घर का ब्लॉग देखा ही होगा, सभी लोगों ने देखा होगा। फ्रेंड देखिए एक बेड है, अब नीचे मैं सो सकता नहीं हूँ क्योंकि मंजा वगैरह भी होता है, मैं नीचे डाल के मैं सो लेता। ठीक है, तो जरा पहले बाबू उठाते हैं फिर प्रिया को। तेरे रे गुड मॉर्निंग, ऐसे उठ रही है कि जैसे कि फ्रेंड पता है क्या, ऐसे प्रिया देख रही है, इसको पता ही नहीं कि मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, पता ही नहीं है। रप्रीत रप्रीत ओ रप्रीत, गुड मॉर्निंग रप्रीत, रप्रीत बाबू, रप्रीत रप्रीत, पता है बंदा सो नहीं रहा, मतलब बंदा उठ नहीं, जा जाओ सो दो तो। रप्रीत ओ रप्रीत, ना 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 ना, फैन लो गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग लो फैन लो को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। तो भाई ये गुड मॉर्निंग बोल रहा क्यों बताओ, ये बहुत सो रहा है। तुम कौन हो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कहाँ से आए हो? जरा फैन यहाँ पे दो मेरे पास। जरा अपनी वाइफ को थोड़ा प्यार दे दूँ, मतलब जो भी प्रिया को थोड़ा प्यार दे दूँ। मेरे हाथ में
तेरा हाथ हो सारी जन्नते मेरे पास हो, तू जो ना हो जाने क्या समा हो जाए हम तेरे प्यार में फना। तो सभी को बोल दो गुड मॉर्निंग, उठ जाओ उठो उठ के फ्रेंड्स, उठ के पहले कुछ क्या बाबू ना फिर से कर। तो फ्रेंड्स अभी ना आप लोगों से मिलता हूँ, बोल दो गुड मॉर्निंग। और ये मेरी पहली मॉर्निंग है, पहली सुबह है हमारी, पहली सुबह है प्रिया के घर आने के बाद। गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स ये मेरी पहली सुबह है पतिदेव जी के घर आने के बाद। देख लीजिए हमारा फैमिली जो है पूरा हो चुका है। और फ्रेंड्स ये हुआ भी है ना तो सिर्फ आप लोगों की कृपा और आप लोगों की दुआ के बदौलत जो हमारा फैमिली है हम साथ में है। और फ्रेंड्स आप लोगों ने बहुत जीत मतलब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है कि जो कुछ भी फ्रेंड्स आप लोगों ने हमें मैसेज किया सब कुछ किया, लेकिन प्रिया से मैं अभी भी नाराज हूँ और नाराज रहूंगा। क्या हो? पहले किसी तो यहाँ पे वाह मॉर्निंग किस वाह गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ना बाबू सो गया ये जहाँ सो गया रप्रीत बाबू। चलो बोलो। तो फ्रेंड देखिए गलती सभी से होती मुसीबतों की, बस माफ कर दो। अब बार बार ये बात हमारे पेट को बहुत दुख होता है। अच्छा। तो फ्रेंड गलती करो भी और दुखी भी होता है, क्या बात है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वही चीज यहाँ पे प्रिया ने कर दिया था हमारे साथ। बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया। हाँ रुपया, देखो बोल भी रहे रुपया। तो फ्रेंड्स ये मेरी पहली सुबह है पति देव जी है, मेरे हस्बैंड के आने के बाद ही मेरी पहली सुबह है और बहुत सुकून मिल रहा है अपने घर। जरा उठ के तुम्हें पता है तुम्हें बहुत तुमने रेस्ट ले लिया, ठीक है उठ के बाथरूम फ्रेंड। चलो उठो उठो। तो फ्रेंड्स फ्रेंड ने प्रिया को ना उठाई दिया, बताओ क्यों, ये ना पता है उठ नहीं रही थी, इसका जरा बाल देख लो कैसा बाल है, सुबह से सो के उठी उठ नहीं रही थी। तो भाई फ्रेंड्स मैं सभी को बोलता हूँ भाई सॉरी, आप लोगों ने मेरा बिछड़ा हुआ प्यार को मिला दिया, ठीक है। मैं इतने गुस्से में था कि मैं प्रिया को भी एक्सेप्ट मतलब सोचो फ्रेंड्स मैं कर सकता है, लेकिन ये कि होता है ना सबका मालिक एक। तो भाई सबका मालिक एक था और एक है और एक रहेगा। अपने घर में पहली सुबह और पति के साथ पहला मॉर्निंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरीके से। और फिर झूठ बोलेंगे, फिर से जिंदगी को खराब करेंगे, क्यों नहीं बोलूंगी। पक्का ना? पक्का। नहीं बोलोगे ना? नहीं। पक्का? हुँ। पक्का ना? हुँ। अच्छा तुम कसम खाओ नहीं बोलोगी? कसम की कसम है कसम से, ये प्यार ना होगा फिर तुमसे होगा, अभी है, अगर तुमने ऐसा कुछ गलती किया फिर प्यार ही नहीं होगा। मैं फ्रेंड राइट बोला या मैंने क्या बोला? तो फ्रेंड्स अभी तो जो भी है अभी प्रिया सो रही है, अभी जब देखते हैं मैं इसको उठाऊंगा नहीं, देखता हूँ कब सो के उठती, कब मैं चाय थी अपनी प्यारी प्यारी हाथों से, बहुत दिन हो गया मैं बाबू हाथों चाय नहीं पिया है। काला चाय पिलाऊंगी मैं, ये काला दिलवाला काला है तो दिलवाला है गोरा है। अच्छा आप दुकान तो मानो जानू, ठंडी का मौसम है, मैं मेरे कोई दुकान भेजेंगे खुद नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं देखता हूँ मैं दुकान भी जाऊंगा, तो अभी आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। फ्रेंड्स अभी निकली हूँ बाहर, तो फिर से बोल देती हूँ आप सभी को गुड मॉर्निंग और बता दो आज का मौसम कुछ ज्यादा ही सुहाना सा लग रहा है और नहा दो कि एकदम माइंड फ्रेश हो गया, तभी हम बाहर निकले हैं सो के उठ। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बीवी के लिए प्यारा सा जप्पी और प्यारा सा चाय। थैंक यू। बहुत छोटी गिलास लेके आए हैं आप। मैं सभी को बोल दूं गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग कमेंट करके बताना। और पहले बता दूं आज तक जरा मौसम कितना मौसम प्यारा है। मैं नमकीन लेके आऊं? वो कहां जा रही, जाओ लेकर देखो फ्रेंड्स अभी दिख गई, तो वहां पे सिस्टर बैठी हुई है, आपको मैं दिखाऊंगा वो देख लो, वहां सिस्टर बैठी हुई, वहां पे नमकीन रखा हुआ है और चाय रखा हुआ है, टेस्टी है ना। और फ्रेंड नमकीन ना ये प्रिया वहां से लेकर के आई थी, नमकीन कौन दिया, सिस्टर की मम्मी ने। तो भाई अभी हम लोग यहाँ चाय पी रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग ब्लॉग में बने रहिए जिसे चाय पीना है, जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग भी आइए और चाय पीजिए और जाइए। वाह कहाँ, तो फ्रेंड्स उधर इधर का मौसम कितना मस्त लग रहा है मौसम इधर का। आओ तो एक बार। कहाँ पता नहीं भाई ये कहाँ कहाँ नहीं, इसका मन पता नहीं क्या जान मत जो ये फ्रेंड्स यहाँ पे है क्या, गोवा है। तो
हमारे यहाँ चंडीगढ़ की लैंग्वेज में पाथी बोलते हैं। तो पाथी और गोहा, ये मेरी पहली मॉर्निंग थी मेरे पतिदेव जी के साथ इतने दिनों बाद बिछड़ने के बाद। हमारी पहली मॉर्निंग, हमारी पहली मॉर्निंग मेरी क्यूट सी वाइफ के साथ खेत के अंदर। अरे बाबू मेरा बच्चा, तो बच्चा ये तुम चाय पीते हो ना, बच्चा ले लो भाई, चाय मेरा पकड़ो आप। हुन तेरे बिन ना मुमकिन। फ्रेंड्स मैंने सुना है कि अगर मतलब साथ में चाय पियो ना प्यार, मतलब प्यार ना बढ़ता है, तो देखते हैं साथ में चाय पीने से प्यार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अल्लाह दी कसम, अल्लाह दी कसम, मैं इतना प्यारा हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा गला बहुत ही ज्यादा खराब है, जानो इधर आओ। हाँ मेरा ना गला बहुत खराब। ओए मेरा बेटा, बेटा हेलो बोल दो। तो फ्रेंड्स चाय पी लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि मैं ना गुड मॉर्निंग माई ऑल फ्रेंड्स, मेरी मासी बुआ गुड मॉर्निंग। मैं सो के उठ चुका हूँ और मैं चैंपियन बन रखा हूँ। तो ये है चैंपियन बॉय, ये मांग रहा है, लेगा ले ले ले। नहीं नहीं चाय नहीं पीता ये, वो बॉम्बीटा वाला दूध पिएगा जब। तो फ्रेंड्स चाय पी लेते हैं फिर आप लोग से मिलता हूँ, ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग ऐसे इंजॉयमेंट कर। नमकीन चाय और बाहर का मौसम। बताओ क्या ये मैच उठा के यहाँ पर रख दिया है और अपना जादू कैसे पी रही। वाह प्रिया जी वाह, आपने तो मौज कर दिया यार, क्या नमकीन है। और जरा बाबू दिल बाबू हेलो बोलो, काजल देखिए कैसे कैसे फैलाया है। हेलो शर्म तो आती नहीं है, करेगा क्या, क्योंकि शादी भी होने वाला है और बर्बादी होने वाला है, क्यों जानू। हाँ इसका रिश्ता जो सिस्टर के घर गए थे, सुनो सुनो बताने, जो सिस्टर के घर जन करके घर गए थे उन्होंने बोला मैं इसको अपना दामाद बनाऊंगी मेरी बेटियों की। और फ्रेंड जरा मेरा बाल का हेयर कटिंग फिर देख लीजिए, मैंने फिर से अपना चेंज करा दिया हेयर कटिंग, जरा देखिए। खून तेरे बिन नामुमकिन, करना गुजारा हो गया। चलो आप वही हो जो मेरे बच्चा छीनना चाहते थे मुझसे, ठीक है। मैं वही इंसान हूँ तो इसीलिए मुझे साथ संभल के रहना, मैं भूल ही नहीं हूँ, मैं अभी भी छीन के भाग सकता हूँ। तो फ्रेंड्स पता है और ये नमकीन खत्म कर दिया, तो फ्रेंड्स खा आप लोग से मिलता हूँ। देखिए चाय वगैरह तो हो गया, चाय नाश्ता हो गया, नाश्ता फिर अभी फ्रेंड देखिए टाइम पता कितने बज रहा है, टाइम हो रहा है 12, ठीक है। कोटिया कड़ा सुटा सत्ता जी ने उन्होंने वेखिया, उन्होंने सादगी ने उन्होंने नहीं बोलूँगा आगे। तो फ्रेंड्स मैंने जो ना चाय वगैरह पी लिया हूँ और माइंड एकदम फ्रेश हो चुका है, तो अभी यहाँ पे पूरा खाली हो चुका है और सब एक मुंह। तभी सारी सिस्टर ना लोफड़ बोलती है क्योंकि आपकी हरकतें लोफड़ वाली हैं। मैं देखो हर एक सिस्टर का भाई जो लोफड़ी होता है, ठीक है, जितने मेरे सिस्टर हैं सबके कोई ना सबके घर में कोई ना कोई नटखट होता ही है, उसी तरह मैं नटखट हूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग यशोदा का बेटा नटखट, यशोदा का नंद लाला हमको इतना प्यारा। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स अभी हो चुका है नाइट का टाइम और पता है जुखाम तो कुछ ज्यादा ही काफी हो गया है, जुखाम भी हो गया, गला में भी थोड़ा सा मतलब कि ऐसा हो गया कि आवाज मेरी चेंज हो गई है। तो अभी रात का टाइम हो चुका है, तो अरे उसको हिचकी आ रही है क्या, हाँ उसको पानी चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड्स कह रही हूँ जो है डार्लिंग को उसको मैंने खाना दिया था ना, ये देखिए आप लोगों को दिखा देती हूँ, खाना दिया था तो पानी नहीं दिया था, इसकी वजह से उसकी हिचकी आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा। और हमारे घर में आज शाम में क्या बना है आप लोग को दिखा देते हैं, खिचड़ी। खिचड़ी नहीं, जो हमारे घर सिस्टर आई थी वो बना रही थी तहरी, लेकिन तहरी तो सूखा सूखा बनता है लेकिन हल्का गीला, लेकिन बहुत ही चटपटी लग रही है, आप लोग खुद देख सकते हो, बड़ा टेस्टी। मैंने खाया है वैसे, अभी मैं खाऊंगी भी, मैंने खाया नहीं, बस 2, 4, 5, 6, 7, 8 बाइट खाई हूँ और नहीं खाई हूँ। तो फ्रेंड्स माहौल तो कुछ ऐसा है कि आज पति देव जी के घर में आने के बाद हमें खाने को मिला खिचड़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी है। अपने घर का ना खिचड़ी हो चाहे नमक रोटी हो बहुत ही अच्छा लगता है, बस इंसान का खुद का अपना घर हो, लेकिन भगवान ने अभी उस तरक्की तक नहीं लेके आए कि हम मेरे पास खुद का घर हो, बस रेंट का घर है। लेकिन अपने घर में इंसान को जन्नत ही लगता है, चाहे जैसा किराए के घर में रहो चाहे खुद के बनाए हुए घर में रहो। क्योंकि फ्रेंड देखिए एक एक जगह एक एक कोना ना बड़ा बड़ा प्यार से बड़ी उम्मीद से सजाते हैं, बड़े उम्मीद से रखते हैं। तो फ्रेंड देखिए खिचड़ी भी बन गई, खाली सिस्टर भी बाबू भी सो गया है, मैं भी खा रही हूँ, तो खावा लेते हैं सोते, क्योंकि सर में तो दर्द कुछ ज़्यादा ही हो रहा, पता नहीं क्यों फ्रेंड्स मेरे साथ क्या हो गया है, मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरे सर में ना दर्द हमेशा होता है। और आपको एक चीज़ दिखा दूँ, मेरे के पौधा कितना प्यारा लग रहा है, हम यहाँ पे नहीं थे लेकिन मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया और प्यारा सा सुंदर स्वीट सा हो गया। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं सोच रही हूँ यहीं पे एंड कर दूँ, और हमारी पहली मॉर्निंग थी जो कि आप लोगों ने देख लिया,
मतलब बड़ा सुकून मिलता है अपने घर के में आने के बाद, अपने खुद के घर में बेड वेड पे सोने में, क्योंकि जहाँ की आदत बनी होती है ना वहीं पे अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, और किने किने अच्छा लगा कि मैं और मेरे हस्बैंड एक हो गए हैं। पहले हम अलग अलग थे, बहुत ही बुरा लग रहा था आप लोगों को भी, लेकिन कोई बात नहीं, सभी की उम्मीद, सभी की हर ख्वाहिश पूरी हुई। आज आप लोगों की दुआ और कृपा की वजह से हम साथ में हैं। अगर आज आपका दुआ कृपा ना बना होता तो आज हम लोग अलग हो जाते। और बहुत सारी मेरी गलती थी वो, तो जो मेरी गलती की सज़ा मिल गई। चलिए, सज़ा मिल गई, आगे कोई गलती ऐसी नहीं होगी। आप लोग भी बोलते प्रिया दी ऐसी गलती अब मत करना, तो बिल्कुल भी नहीं। इंसान से गलती एक बार होती है, बार बार नहीं रिपीट करूँगी। तो बहुत खुशी हुई फ्रेंड, हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट फिर से हो गई है। बस अब इस लाइफ को हमेशा आगे बढ़ाना है, ये नहीं कि गलती करना है। एक गलती इंसान की लाइफ बहुत ही बर्बाद कर सकती है, जो कि मैंने खुद देख लिया और मेरे साथ रियलिटी हो गई सारी चीज़ें। मैं दुनिया में सबका देखती हूँ लेकिन मेरे साथ खुद हो गया। तो बस फ्रेंड, आप लोगों का कृपा रहे, बस यही हमारे लिए काफ़ी है। बस आप लोग दुआ करते रहना, मेरी फैमिली अच्छे से जिए, मैं 3 लोग हूँ अच्छे से, मेरा बाबू, सभी के लिए दुआ करना। तो बस फ्रेंड, बाय बाय सभी को।